सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद वालेही वसल्लम, सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। दोस्तों, हमेशा की तरह क्रिटिकल इश्यूज और बेहतरीन सोल्यूशन लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी मोहब्बतों के लिए शुक्रिया। आलू के बीज के लिए बेहतरीन ज़हरपाशी के लिए आज मैं बात करूँगा। आलू के बीज के लिए ज़हरपाशी का जब हम फैसला करते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे आलू के मसाइल क्या हैं। ज़हरपाशी किस लिए करते हैं कि आने वाले वक्त में हम इसकी बीमारियों पर काबू पा सकें। अब कौन सी बीमारियाँ जो हमारे आलू की फसल को मुतासर कर सकती हैं और बीज की ज़हरपाशी से किस तरह हम उनको शील्ड दे सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। छह बीमारियां बेसिकली आलू की। मैंने आप दोस्तों की आसानी के लिए व्हाइट बोर्ड पे लिखा है ताकि सब दोस्त इस चीज को गौर से देख सकें। ब्लैक स्कर्फ है सबसे पहले, काली चित्री जिसे आप बोलते हैं, आम जुबान में काली चित्री इसे बोला जाता है और ज्यादा हमारे आलू के काश्तकार इसी के बारे में ही आगाह है। ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद फिर सिल्वर चित्री या सिल्वर स्कर्फ है पोटैटो का, फिर ब्लैक डॉट है, इसके बाद कॉमन स्कैब है, इसके बाद फ्यूजीरियम ड्राई रॉट है, इसके बाद गैंग्रीन है। ये छह बेसिकली ऐसी बीमारियां जो हमारी आलू की फसल को मुतासर करती हैं और इन छह बीमारियों को हमने शील्ड या एक प्रोटेक्शन देना होती है। अब अगर हम फील्ड में बात करें तो हमारे पास जो बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड अवेलेबल है, मोंकट है यूपीएल का या अरिस्टा लाइफ साइंस का, अच्छा उसके बाद एमिस्टो प्रीमियम है बायर का, सेलिसिट है इसके पास, सिंजेंटा के पास हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तीनों प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपको बताए या जो माजी में हम इस्तेमाल करते रहे, यानी तीन प्रोडक्ट मैंने आपको मल्टीनेशनल कंपनीज के बताए हैं जो माजी में हम इस्तेमाल करते रहे, वो सारे के सारे काली चित्री के लिए, काली चित्री या ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो को ही वो कंट्रोल करते हैं। अब एक और इनोवेशन आई है, मैं बारहा ये अर्ज कर चुका हूं कि सिंजेंटा ने सी ट्रीटमेंट के लिए दुनिया में अपना एक मुकाम पैदा कर लिया। सिंजेंटा सी ट्रीटमेंट में बहुत आगे जा चुकी है, लिहाजा जब भी किसी भी फसल की सी ट्रीटमेंट करनी हो तो आपका पहला इंतखाब सिंजेंटा ही होना चाहिए। क्यों? सिंजेंटा ने बेसिकली ब्लैक स्कर्फ के लिए, सिल्वर स्कर्फ के लिए, ब्लैक डॉट के लिए, कॉमन स्कैब के लिए, फ्यूजीरियम ड्राई डॉट के लिए और गैंग्रीन के लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन पेश किया है। दोस्तों, सबसे पहले इन बीमारियों के बारे में हमें तारफ होना चाहिए कि ये बीमारियां हैं क्या। ब्लैक स्कर्फ, ब्लैक स्कर्फ में क्या होता है कि काली चित्री, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि काली चित्री आती है। अच्छा, सिल्वर स्कर्फ में क्या है कि सिल्वरी चित्री आती है, धब्बे बनते हैं ऊपर सिल्वर कलर के। ब्लैक डॉट में क्या होता है कि आलू अंदर से मोस्टली स्याह हो जाते हैं, स्टोर में पड़े स्याह हो जाते हैं, ब्लैक डॉट की सिम्टम्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब गैंग्रीन में क्या होता है, गैंग्रीन में बेसिकली एक मफलूज फसल हो जाती है, गैंग्रीन में एक फालिक टाइप हमारा तकरीबन आलू हो जाता है, ड्राई हो जाता है एक साइड से जैसे। और फ्यूजीरियम ड्राई राट में क्या होता है कि आलू गल सड़ रहा होता है, खुश्क होकर गल सड़ रहा होता है, जैसे खुश्क होकर एक चीज गलना सड़ना शुरू हो जाती है अंदर से, उसके मैंने आपको कटे हुए जो है वो भी दिखाए सिम्टम्स। तो ये ऐसी बीमारियां हैं कि जिनके बारे में अब आप खुद सोचें कि आने वाले फसल में हमारी फसल को मुतासर करती हैं, यानी आने वाला जब वक्त आता है तो ये हमारी जान नहीं छोड़ती, हमारे आलू की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे मसाइल के लिए सिंजेंटा ने, जो कि सीड ट्रीटमेंट में पूरी दुनिया में बहुत आगे जा चुका है, उन्होंने वाइब्रस प्रीमियम के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। मैं नाम लिख रहा हूं सारे दोस्तों की आसानी के लिए, वाइब्रस प्रीमियम। अब वाइब्रस प्रीमियम आपने 40 जो है ml 100 किलो आलू को लगाना है, यानी 40 ml आपने 100 किलो आलू को लगाना है, 40 ml ये इसकी रिकमेंडेड डोज है। अगर आप वाइब्रस प्रीमियम के साथ अपने आलू की ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको इन सारी बीमारियों से तहफ़ फराहम हो जाएगा, आपकी फसल को एक शील्ड मिल जाएगी। अब देखें, हम इससे पहले काली चित्री के लिए ऐसी ट्रीटमेंट कर रहे थे,
लेकिन अब गैंग्रीन के लिए, ब्लैक डॉट के लिए, कॉमन स्कैब के लिए, सुदीरियम ड्राई रॉट के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। इसमें बेसिकली फ्लू डाइऑक्सिनल और सिडेक्सेन है, दो प्रोडक्ट हैं, दो केमिकल्स हैं, दो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, और ये 100 किलो आलू के लिए 40 ml की डोज रिकमेंड की जा रही है। और ये सारी बीमारियां जिनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ भी की है, इनके सिम्टम्स भी बताए हैं, आप हैरान हो गए ये बात सुनकर कि ये इतने बड़े मसाइल थे हमारे आलू के, जितने भी दोस्त हैं वो इन मसाइल की वजह से परेशान थे, इनका हमारे पास कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं था, लेकिन अब हमारे पास अल्टीमेट सोल्यूशन दस्तयाब है, सिंजेंटा का वाइब्रस प्रीमियम। तो मैं आप जितने भी आलू के दोस्त हैं, जितने भी हमारे आलू के काश्तकार हैं, आज के इस वीडियो प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कम वीडियो पब्लिक करता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि काम की चीज पब्लिक की जाए, आप दोस्तों का खामखा वक्त जाया ना किया जाए। कोशिश करता हूं कि कोई ऐसी चीज आपके साथ डिस्कस की जाए जो नहीं हो, जो आपके लिए बेहतरीन हो, जिसमें आपका मुफाद हो। तो हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में आलू की इन 6 मूदी बीमारियों के बारे में एक शील्ड, एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपकी खिदमत में हाजिर किया है। सिंजेंटा का प्रोडक्ट है वाइब्रस प्रीमियम। तो आलू के जितने भी मेरे काश्तकार दोस्त हैं, आप किसी भी और सी ट्रीटमेंट की तरफ मत जाएं, जरूरत ही नहीं है। आपके लिए जो बेहतरीन सॉल्यूशन है वो वाइब्रस प्रीमियम है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम। राइज़ ऑफ फास खादों की 40% बचत, पैदावार 15% ज्यादा, पाकिस्तान में पहली बार कपास में मोटे और वजनी टींडे, चांदी जैसा रेशा, मकई में दानों से भरपूर छल्ली, मजबूत तना, ताकतवर जड़ें, मोटे और वजनी गन्ने, वजन में 2 गुना इजाफा, बागात में फल से लदे पौधे, रस से भरपूर फल, जायके में बेमिसाल, फसलों की झाड़ में इजाफा और जड़ों की नाकाबिले यकीन अफजाइश, ताकत से भरपूर, बैनुल अक्वामी तहकीक का शाहकार राइज़ोफास, पाकिस्तान भर के किसानों का अव्वलीन इंतखाब, इखराजात कम, पैदावार ज्यादा।